मैं हूं सिद्धार्थ करण, एक सिरके जरा हटकर मेरे साथ है एक लड़का जिसका बैरिटोन देखकर मैं बड़ा जेलस हो जाता हूं। मैं उसका गला घोटना चाहता हूं, उसको चुल्लू भर पानी में मारना चाहता हूं, बिकॉज ही इज गॉट सच अ सेक्सी वॉइस एंड अ सेक्सी फेस। दर्शन रावल की जय हो, ताली बजाओ। थैंक यू सो मच। अरे ब्रदर, मैं एक चीज बताऊं, जब मैं तेरे से मिला था मुझे लगा था यार 23 साल का लड़का आएगा जिसकी आवाज में हेलो भैया कैसे हैं, और उसके बाद जो तुम्हारी हेलो मैं ऐसा हूँ भाई, आई वॉज रियली माने बाउंसर लगा मुझे यार। मैं पहले भी जब मैंने टू गो शोज करने के लिए तो सब कुछ मेरा चेहरा देख के वो लोग ऐसे खड़े रहते थे। मैं जैसे ही माइक बोलता था हाय दिस इज दर्शन रावल, तो लोग ऐसे अरे बोले इसके गले से आवाज नहीं आती। सो ये हमेशा से रहा है मुझे कि लोग मेरी आवाज देख के एकदम सोच रहे कि ये फेस और आवाज कभी भी मैच नहीं। नहीं, फेस भी मैच करता है यार, लड़कियां पागल है। हम दोनों एक इवेंट कर रहे थे, आंटियों से लेकर बच्चे सब तुम्हारे दीवाने थे। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि भाई ये लड़का ऐसी फीमेल अटेंशन को हैंडल कैसे करता है, कैसे करते हो तुम भाई? मैं अब बड़ा नेचुरल हो गया, पहले एकदम शॉकिंग लगता था कि वो क्या है, क्योंकि बिफोर रोस्टर जब कॉलेज में थे तब मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया बहुत सारी लड़कियों को गिटार से इंप्रेस करने का, पर कभी हुआ नहीं। फिर ये रियलिटी शो मैंने वहां पर मेरा गाना गाया और सडन इतने सारे लोग इतनी सारी लड़कियां फॉलो करने लगी, तो आई वाज अ लिटिल शॉक कि क्या हो रहा है ये, मतलब समथिंग इज कुछ गलत हो रहा है। नहीं, जब लड़कियां फेंकती थी ओ दर्शन आई लव यू बेबी यू नो ये सब करने की कोशिश करती थी, तुम क्या टेबल के नीचे छुप जाते थे, तुम अपने मैनेजर नौशाद के पीछे छुप जाते थे, क्योंकि वो भी लड़कियों को बहुत संभालता है, इज ग्रेट एट इट, उसका फुल टाइम जॉब यही है। मेरी बट इट थोड़ा मुझे वो ऑकवर्ड लगता है कि मैं क्या रिएक्शन हुआ, आई गेट लिटिल नर्वस आल्सो जब एकदम से मेरा नाम चिल्लाया जाता है, मुझे एकदम से देख के शॉक एकदम चिल्लाते लोग, मैं बड़ा शॉक हो जाता हूं कि मुझे व्हाट आई हैव टू रिएक्ट, आई डोंट नो, इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। यू हैव टू जस्ट से कम टू मी बेबी, और ऐसे करो कम टू मी बेबी, कम टू मी बेबी, या आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस, ऐसे वापस ट्राई करो, बोलो कम टू मी बेबी, कम टू मी बेबी। अभी तू बहुत शरीफ है, तेरे से कभी नहीं हो पाएगा ये सब यार, तू मेरी तरह नहीं है यार, इसलिए नौशाद साथ में मुझे ट्रेन कर रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट दैट, देखो मुझे 100 रुपए में कितने जीरोस होते हैं मालूम नहीं है, क्योंकि हर चीज मैं फ्री में ही करता हूँ। मुझे जब टिप देते हैं लोग सिर्फ 10 रुपए देते हैं, तुमने 15 मिलियन व्यूज किए मेरे भाई, 15 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं पहले बताओ? 6-7 तो डेफिनेटली होते हैं। My God, और उससे पहले तेरा जिक्र क्रॉस 50 मिलियन व्यूज। Yes, yes, definitely. But tell me now, you, दर्शन रावल, आप एक पैरेलल इंडस्ट्री हो, do you realize that? You know, I feel that कि yes, apart from Bollywood, this independent music that I always wanted to do. So मैं हमेशा मेरा focus ये था, I wanted to do my music. तो जब मैंने music की शुरुआत की, so मैं जाके shows में खुद के गाने लगा, क्योंकि किसी ने कहा भाई ये सब मत सुनाओ, Bollywood सुनाओ। So, मुझे बड़ा खराब फील हुआ, क्या दिस इज, ये मैंने खुद लिखा है, मेरा गाना है, बड़ा स्पेशल गाना है, बहुत इमोशंस के साथ लिखा है। सो ये मेरे दिल में बात रहेगी, और मैंने सोचा कि मैं जिंदगी में आगे जाके मैं खुद का म्यूजिक करूंगा ही करूंगा। फिर मैंने चाहे भले आई स्टार्टेड डूइंग बॉलीवुड कवर्स, पर मेरे दिमाग में आई वॉन्टेड टू डू ओरिजिनल सॉन्ग्स, क्योंकि फॉर मी म्यूजिक इज बिगर देन एनीथिंग, एनी कोई भी हम टर्म दे दे, बॉलीवुड दे दे या कहीं का, बट म्यूजिक इज बिगर देन पीपल, इज बिगर देन बाउंड्रीज, इज बिगर देन बॉलीवुड। सो आई थिंक that's what I'm doing, that's music is what I'm doing, the independent music jahan main khud ke gaane bana raha hu likh raha hu. Par batao abhi bhi kya tumhe lagta hai ki the Bollywood film industry tumhe utni seriously leti hai, kyunki ek YouTube industry hai, digital industry hai, which is an industry by itself, Bollywood abhi bhi tum jaise stars ko jo digital sensations hai unko seriously leta hai? See, I have really met bahut sare logo, the music director, composers, I have met them, and the shocking thing is they really respect what I'm doing, they really like it, they say kare bada acha kar rahe ho tum, you're doing very good, keep doing it, aur sath sath mein people are accepting this, people accept kar rahe hain, so mere liye I think people have been really bahut sara mujhe appreciation mila hai, usi wajah se main aur zyada kaam kar raha hu, so I think people sabse zyada importance hai meri audience jo mujhe log pasand karte hain, so I think they have really accepted this. Aur main ek cheez janna chahta hu, ye hai ki maine andar padha hai aur log mujhe batate hain ki Darshan Rawal single hai, बदमाश, झूठ बोल रहे हो कि सच में? मैं 100% सिंगल, 100%। तो ये जो खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे बिल्डिंग में आती जाती है, वो किसके लिए आती जाती है? मेरे लिए आती है, बट मैं अभी I think टोटली फोकस्ड नहीं है, अब लगेगा कि ये देखो बातें बना के बोल रहा, बट आई एम टोटली फोकस्ड, और इतना ज्यादा अभी फिलहाल एक साल से देयर इज सो मच ऑफ म्यूजिक एंड सो मच ऑफ ट्रैवलिंग गोइंग ऑन, तो मैं खुद पर भी कम फोकस कर पाता हूं। तो ये जो लड़कियां आती है तुम्हारे म्यूजिक सुनने आती है घर? नहीं, घर पे मैं खुद घर पे होता नहीं, यहाँ पर नोबडी कम्स,
But yes, people मेरे society में a lot of times the girls come in and they wait सुबह से दे वो wait करते होते हैं then I meet them basically so हाँ वो सब तो होता रहता है. तो माने उन पर तुम अटेंशन नहीं डालते तो क्या है, माने क्या करते हो तुम, ऊपर सीलिंग को देखते हो, तुम जमीन को देखते हो, तुम भगवान का नाम लेते हो, हाउ डू यू अवॉइड देम? मैं I meet them, मैं अवॉइड तो नहीं करता बट as I said मेरा I am happy more than happy कि ये लोग मुझे मेरे म्यूजिक की वजह से पसंद करते हैं, जो मैं गाने गाता हूँ उनसे ये लोग इतने कनेक्टेड हो गए so they really love me so I think it's मेरे से इग्नोर करने से ज्यादा जैसे I think this is a responsibility on me. No, but tell me, have you ever had girlfriends? कि हमेशा सिंगल रहे हो? I had crushes. मैं मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी मेरे स्कूल टाइम. तो it took me three four years just to go to her and say hi, how are you, what's up, my name is Darshan. ये बोलते बोलते मुझे तीन चार साल निकल गए. So I have been really very shy. So I've always had crushes. भाई मैं एक चीज़ बोलूँ, जब भी कोई लड़की आए मैंने तुम्हें सिखाया क्या बोलोगे? Come to me, baby. बस तुम बने, तुम्हारी कम से कम 25 girlfriend होगी 6 दिन में, उसके बाद 25 25 100 चाहिए क्या? नहीं नहीं 25 ठीक है अभी. हाँ 6 दिन में 25 संभाल लेना, उसके बाद 50-100 कर देंगे तुम्हारे लिए. Done. But you know what? Moving on to this journey, it's beautiful. तेरा जिक्र है 50 million views, brother. But most importantly, तुमने वो गाना डेडिकेट किया टू योर मदर. लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को डेडिकेट करते हैं, अपने क्रशेस को डेडिकेट करते हैं. At such a young age, तुम्हें वो maturity थी to dedicate a song to your mother. What was that like? So my first song, Pehli Mohabbat, that really became popular. वो एक बंद रूम में I made, composed it. और हर गाने के बाद I used to go to my mother and I used to sing that song to her. तो she used to be very critic, बोले अच्छा है. Yeah, she would say बहुत अच्छा है. So मुझे वहाँ से पता चल जाता था कि हाँ ये गाना मैंने बनाया है जो लोग. और उसके बाद whenever I release that song, जो जिसमें she has said कि बहुत अच्छा है, वो हमेशा it has been loved by people. तेरा जिक्र I remember कि right before the release, मेरी birthday के बाद I took them to Singapore. तो every day hotel में हम लोग साथ में थे. So I used to play this song to her. मैंने बोला ये this is the next song release होगा अभी and I hope कि सबको पसंद आए. तो वो मेरे सबसे हाथ रख के she used to tell me बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है. So लोगों को अच्छा लगेगा. And then we released and I think she couldn't see the song. That's one thing जो मेरे दिल में हमेशा वो रहेगा एक thing that is going to hamper me entire life that she couldn't see the song. But I think it's her blessings that this song has reached to so many people. And I think this song was for her and is for her. एक चीज मैं बोलूँ, उन्होंने वो गाना देखा है भाई, क्योंकि इस वक्त उनका soul, उनका spirit हम दोनों के बीच में है. And she's watching the song. She's very proud of you. And I must tell you, we will dedicate this song right now to your mother, जो इस वक्त हमें देख रही है, हमें bless कर रही है. Yes, definitely. तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो, बाखुदा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करो. क्या बात है, डेडिकेटेड टू हिज मदर, तालियां प्लीज. एब्सोल्युटली इसी बात पे पंखा चला दो भाइयों, कोई टेंशन नहीं, माइक में अच्छा साउंड आता है, लगा दो भाई दोस्तों, बहुत अच्छा है, डोंट वरी, वी आर लाइव, क्योंकि पंखा भी आपका फैन है, फैंस आर आल्सो योर फैंस, आई लव दैट अबाउट यू आल्सो भाई. ये मुझे बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नाउ दैट यू आर स्टेइंग अलोन इन मुंबई, कभी कभार मिस करते हो हैविंग अ कंपेनियन, की पैसे कमाने में और शोहरत कमाने में टाइम निकल जाता है? नहीं, पहले 6 महीने तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसे. मुंबई आई थिंक लाइफ स्टाइल इज वेरी 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 फास्ट. वैसे जैसे कि सुबह होती थी, मतलब अहमदाबाद में, आई वाज देयर इन अहमदाबाद, ऐसे मतलब आराम से एक दिन गुजरता लगता था, अरे वाह, इट वॉज अ लॉन्ग डे, क्योंकि काम कम थे. अभी इन मुंबई ऐसे मतलब दिन खत्म हो जाता है, पता नहीं चलती, वो होता है कि अरे दिन खत्म हो गया, इतना सारा काम और करना है. बट आई थिंक आई डेफिनेटली समटाइम्स मिस द लाइफ स्टाइल देयर. बट एक चीज़ मेरे अंदर अच्छी है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग यहाँ पर आते रहते हैं, हर महीने वो लोग यहाँ पर आते हैं, और हर दिन यहाँ पर आते हैं, हर दिन कुछ लोग मेरे साथ ही रहते हैं.
my father also keeps coming here. So, अब वो जैसे मिस होता है तो I call everybody here and we have a good time here. क्या बात है, तो मैं भी यहाँ पे आके पढ़ूंगा ताकि मुझे कोई अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग लोग मिले जो मुझे कभी नहीं मिलता अपने घर में. नो नो इट्स योर हाउस ही, मतलब वो हो जाता है अपने घर में, मतलब वो होता है तो यू कैन ऑलवेज कम हियर, यू कैन चिल. क्या बात है, बट लिसन ब्रदर, आई एम वेरी सरप्राइज व्हेन यू डिड रॉ स्टार, यू वर इन यो यो हनी सिंह टीम राइट, बट आपने अपना बॉलीवुड जो इंस्पिरेशन है हिमेश को बोला है, दैट वाज सरप्राइजिंग. व्हाई? I think halfway through, then Himesh ji came to the show. I think he was there in the show. And jab maine I sang, to matlab unhone he said ki are I'll hame is ladke ko gawaunga. So ye har reality show mein hota hai, koi na koi bolta hai ki main isko gawaunga. To mujhe bhi ye laga ki ha ye ek TV ka nuska hai, ye bol diya ye hoga kuch nahi. But actually after jab Rockstar khatam hua, when the reality came to me ki ab Rockstar khatam, ab kya karoge? तो जब मैं when I was meeting lot of composers, जो कुछ लोग मिलने से मना कर रहे थे, some people were really busy, या कुछ लोग नहीं जानते थे, तो उस दरमियान मैं थोड़ा वो हो गया कि यार अब मुझे I don't want to stay here, मुझे म्यूजिक करना है तो मैं वापस जाके अहमदाबाद में अच्छे से अपने स्टाइल से करूँगा. तो जाने से पहले आई कॉल्ड हिमेश जी, मैं दर्शन बात कर रहा हूँ, मैंने कहा दर्शन शो में, बोले हाँ 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 एक काम करो कल स्टूडियो आ जाओ. Next day I went to the studio, the first song I recorded was, I gave my voice for Salman Khan, Prem Ratan Dhan Paayo. I sang four lines. So I think uske baad he has always been there, mujhe hamesha matlab, he has been an inspiration mentor. Aaj tak mujhe bhi kehte hai ki tum bilkul fikar mat kar, tujhe jo karna hai tu aaram se keep doing your music, I am there behind you. So somebody in Mumbai, jab aap kisi ko nahi jante, or somebody comes to studio and says this, can you do your work, I am there right behind you. So it feels good. Aapko अच्छा फील होता है कि कोई है और आप डरे बिना यू कीप ऑन डूइंग. तो उनकी टोपियों में से कुछ टोपी तुमने रखा अपने घर में, कि आजकल जो टोपी पहनते नहीं है, आजकल नहीं पहनते. अभी तो यस ग्रोन बाल, मुझे वो उन्होंने इंस्पायर किया था कि जल्दी से जिम में शुरू कर दो. तो हाँ दैट इज उनके 5-6 टोपी तो चुरा लो भाई. मैं कुछ अभी जाके बोलूंगा कि मुझे कोई 2 टोपी तो दे दो, 5-6. किसी को पहनाना मत, खुद पहन लेना भाई. यस यस. बट ओके, बट डिड यू एक्चुअली मीट सलमान? बिकॉज सलमान का हाथ जिस पर आता है वो खुद सलमान से ज्यादा बन जाता है. नहीं नहीं, आई हैव नॉट मेट सलमान खान, आई ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स. और आई थिंक मैं ये हमेशा ये भी कहता हूँ कि मैं अभी तक आई डोंट वांट टू मीट सलमान खान, बिकॉज द मोमेंट आई मीट हिम आई विल बी शॉक्ड, बिकॉज द इम्पैक्ट ही वुड हैव ऑन मी. आई एम सो लेट्स होप व्हेन आई मीट हिम, आई एम अ बिग फैन ऑफ सलमान खान, बट आई हैव नॉट मेट हिम. पर तुम उसको देखो क्यों शॉक हो गए यार, तुम भी स्टार हो यार, क्या माने क्या है ये? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, आई ही आई हैव बीन सीइंग मतलब मैं ही कहता हूं कि आई रियली क्राई व्हेन सलमान खान क्राइज ऑन स्क्रीन. आई आल्सो स्टार्ट क्राइंग, आई कैन नॉट सी हिम क्राइंग. सो वो एक चीज है, सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि आई हैव सच अ बिग बिग इमेज इन माय हेड. सो मैं कहता हूं मैं किसी और से ही मिलूंगा, आई वोंट बी स्टार स्ट्रक, बट इफ आई मीट सलमान खान आई विल बी. यार जब मेरी बीवी मुझे मारती है और मैं रोता हूँ, तुम वो देखोगे तब भी तुम्हें रोना आएगा भाई. दिल से तू रोएगा. कभी जूते से मारती है, कभी झाड़ू से मारती है, थप्पड़ तो बहुत क्लास का है भाई. इसलिए मैं सिंगल. अच्छा इसलिए मैं सिंगल. नहीं भाई अच्छा है, सिंगल रहो, मिलते रहो हसीन लड़कियों से और बोलते रहना. क्या बोलोगे? कम टू मी बेबी. यार बेबी ये फेमस होना, ये कम टू मी बेबी. बट नाउ Shab Tum Ho, when it happened, yes. 50 million views, yes. All right? Yes. I saw the video. Yeah. I actually saw you with this very pretty girl, jiske saath tum coochie cooing kar rahe ho. Unke saath kuch chemistry hua off the camera as well, ki nahi? Ki tumhara jo namakool director hai, jo maine 50 crore har mahina kamata hai, usne tumko roka, kyunki wo mera dost bhi hai, main janta hu, apni setting khud kar raha hoga. Nahi, nahi, bilkul. He is very strict. Wo strict isliye bhi hai, ki wo on screen jo scene hai, करवा भी लेते हैं. एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट आफ्टर द शॉट, शूट के बाद मुझे सीधा घर जाना है और रेस्ट करना है, उसमें भी ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. तो जब वो सीन्स हो रहे थे उन्होंने खुद करके दिखाया तुमको? मैं खुद तो नहीं किया उन्होंने, बट ही मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ ये सारे सीन करने में, बट ही ऑलवेज मेक श्योर कि आई एम कंफर्टेबल. मुझे समझाते अरे कोई बात नहीं, मतलब एक्ट कर रहे हो तुम, एक्टिंग कर रहे हो और लोगों को देखना है दर्शन रावल को ये करते हुए, तो बट ही रियली मोटिवेट्स मी कि दैट्स नथिंग टू बी शाय अबाउट. It's a song, it's a story, तो आपको portray करने, तो उस तरीके से नौशाद खान has been really
सबसे पहले मेलोडी बनाना, तो जब मैंने उनको मेलोडी सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस गाने के अंदर लिरिक्स बहुत खूबसूरत होने चाहिए. मैंने कहा बात तो सही है. तो देन ही जस्ट थ्रोड आइडिया कि मैं सईद कादरी साहब से बात करता हूँ, उनसे उनको ये गाना सुनाता हूँ, लाइक्स इट एंड राइट. एंड फिर उन्होंने ही टुक द सॉन्ग टू सईद भाई, और सईद भाई को गाना बहुत अच्छा लगा, ही रोट इट. सो वन मोर बिग थिंग फॉर मी इज दैट सईद भाई रोट दिस सॉन्ग. सो आई वॉज रियली ऑनर्ड कि मेरा ही गाना सईद सईद साहब ने लिखा है, जिसको मतलब मैं इतने सालों से आई हैव बीन लिसनिंग एज एन इंस्पिरेशन इन म्यूजिक. अभी तो मिलके काम कर सकते हैं. अभी तो इस गाने को तो नौशाद भाई को ही डेडिकेट करें, क्योंकि हम आई थिंक द वेरी पोस्ट टाइम्स आई वुड लाइक टू सिंग ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर. जी हाँ, और याद रखिए जब शूटिंग खत्म हो जाता है नौशाद जी के साथ, प्लीज घर चले आइए, वो आपको मेंटोरिंग ज्यादा ही कर देंगे फिर. दर्शन रवाल, ताली बजाओ. जो पांच लोग बैठे हुए इस हॉल में, ताली बजाओ. तो भक्तों, तुमको इसीलिए रखा मैंने ताली बजाने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए. और एंडिंग में कम टू मी बेबी, दैट्स द वन. दोस्तों ये बड़ा शरीफ लड़का है, मेरी तरह बदमाश बनने की कोशिश कर रहा है पर अंदर से आती नहीं है. कि ये बहुत सीधा शरीफ लड़का है, एंड आई रियली मीन दैट. प्लीज डोंट बी लाइक बी बेशरम. नहीं नहीं बिल्कुल, फिर से जितना जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूं बेशरम बनने की. नहीं हो पा रहा, छोड़ दे भाई, तू अच्छा है वैसे ही रहे. हाँ, ये सारे काले कारनामे मुझे करने दे. Hey, talking about that, you know what happened to Papon, right? Yeah. What's your opinion on that? Genuinely. So genuinely, I think, to be honest, so being Papon is such a big celebrity, such a singer. So I think whatever I saw the video as well, but मुझे नहीं लगा something wrong, because I think it could be. एक गलती भी हो सकती है. वॉज जस्ट ट्राइंग जस्ट टू ट्राइंग टू किस दैट गर्ल, मतलब गर्लफ्रेंड की वाज गोइंग, और सम द गर्ल, लड़की ने, बच्ची ने गलती से ऐसे देख लिया होगा, समथिंग. सो वी कैन नॉट डायरेक्टली कुछ भी चीज अज्यूम नहीं कर सकते. बाकी आई थिंक देयर बीइंग सच अ बिग पर्सनालिटीज, आप इतना ध्यान रखते हैं, आप जब व्हेन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, आई नो कि आप हर छोटी चीज में यू बी केयरफुल. सो दिस कैन नॉट हैपन. आई कैन नॉट डू दिस. So great, it is one music composer saying, please guys, don't get carried away, analyze the whole situation and then come to your own conclusion. Yes, aap dekhiye, kyunki itni badi personality, how would aap dekhiye, kuch bhi jaake on screen thodi na matlab kuch ho, it's just a small little kid. So I'm not giving anything, but I think ki galat ho sakta, there can be a different way to that situation, ek dusra nazariya bhi ho sakta. Absolutely, and a very mature way of putting it, mere bhai. Yes. Par mujhe ye batao, are you in touch with Yo-Yo Honey Singh? Because he was also like one of your mentors when he was going through that dark phase. Yes. Kya aap unke saath the, aapne unse baat karne ki koshish ki, or what was it? I think I definitely tried to talk to Honey Singh, but I think after a point, he was really not well. So I remember ke beech mein pura 1 year he was away from everybody, he put down his phone and was totally away. But I think uske baad to he was in his own zone. But I did try to talk right after Rostar, bahut sari baat karne ke baad kuch baat hui bhi. But uske baad he was totally unwell and he wanted space. So I think he was not in touch with anybody. So he was away resting and regaining back. पर भाई मुझे तुमसे स्पेस नहीं चाहिए, जब भी मन लगे मुझे झप्पी दे देना और मैं रोज नया नया परफ्यूम भी डालता हूँ भाई. हाँ, मैं वो वाला कलाकार नहीं हूँ जो मैंने
परफ्यूम नहीं लगाता, मैं हमेशा नया नया डालता हूँ। अगर आपके घर में परफ्यूम हो वो भी दे देना, कल लगा के आ जाऊंगा भाई। डन डन डन। ऑलराइट, लेट्स डू अ बॉलीवुड सॉन्ग। यू हैव डन अ स्मैश इट सॉन्ग। वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट दिस सॉन्ग? खींच मेरी फोटो। इस गाने की भी स्टोरी है, आई वाज स्लीपिंग घर पे और एकदम से मेरा फोन बजने लगा, तो मैंने एकदम से देखा तो रिमेश वाज कॉलिंग मी, बोले कि प्लीज आ जा, अभी रिकॉर्ड करना है। हाँ, आई यूज्ड टू स्टे एट ग्यारी रोड तक, मैं रोड से ऑटो पकड़ के मैं नींद में ही हूँ अभी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। वो पैसा दिया, मैं स्टूडियो में गया, मैंने गाना सुना, तुरंत मैंने गाया, 15 मिनट में डब हो गया, मैं घर पे गया, घर पे हम सिटिंग करते हैं, मुझे मैं नींद से जब उठा मुझे लगा यार मैं गाना गा के आ गया। देन व्हेन द सॉन्ग कम्स आउट, दिस सॉन्ग उठ के सीधा रिकॉर्ड करने के लिए गया था। दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस सॉन्ग। पर एक चीज बात है, जब भी मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करो थोड़ी पतली आवाज में करना भाई। हाँ, क्योंकि मैं अपने बेस के बारे में बहुत मैं पोसेसिव हूं। आपका तो बहुत ज्यादा, मैं इतना सारा बेस मैं ये वाला ये करूंगा। आपसे गेट करना चाहता हूँ टू ऑल दोस लवली गर्ल्स हु वांट अ पिक्चर विद दर्शन, मैं आपको दिलवा सकता हूँ, मैं उसका भाई हूँ, उसे मिलने से पहले आपको मुझसे मिलना है और फिर उनसे मुझसे पहले उनके डायरेक्टर नौशाद से मिलना है, वो पहला स्कैन कर। और तुम्हारी अच्छी बात ये है, मैं नोटिस किया, तुम हमेशा स्माइल करते रहते हो, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर, ऐसे ही रहना, स्माइल करते रहना, ठीक है। पर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, यू आर डूइंग सो वेल, 23 साल के हो कि 24 के हो कि 25 के हो? 23 के। फेक मार्कशीट की ओरिजिनल मार्कशीट? मुझे हमेशा मेरा ये हमेशा ये था कि आई वांटेड टू बी ओल्डर, मुझे अपनी उम्र ज्यादा बतानी थी, तो आई एम 23, अभी आई बिकम 24 वेरी सून। क्या बात है, बट टेल मी, बीइंग इन मुंबई, अहमदाबाद से आकर, हैज देयर बीन deadly struggling moments? I really had a lot of struggling moments in ek cheez mujhe, main ye kehta hu ki this industry, what it taught me was level of the patience, aapko bada patient kar deta hai, because when you keep, jaise mere Bollywood ke gaano mein bhi hua, when I sang for films, everybody started ki are kya kar rahe ho tum, kya kar rahe ho, what are you doing, nothing is coming up, what are you doing, I said I've done things, all those वो सारी चीजें बाहर आने में time लगता है, and I think that's what my struggle has been about. I am not a patient guy. मुझे बहुत सारी चीजें जल्दी करनी होती है, but this place Mumbai has taught me how to be patient. And my struggle has always been with my own self. कि मुझे I want to be better. मुझे अच्छी चीजें करनी हैं. मैं और इतने सारे लोग मुझे इतने कम time में people have started loving me. मुझे उनके लिए और better गाने करने हैं. If you see तेरा जिक्र is 50 million now. So with Tera Zikr, I had such a pressure on me कि अब मुझे act to perform and give something better than Tera Zikr. That's what people say. You have to give something better. I always say, I don't know what's better. I'll make a song. मेरा नाम है गाना बनाना. So better क्या है वो मुझे नहीं पता है. So I think that's the struggle. That's the struggle everybody goes through, finding their own self, finding their own music. भाई तुम ऐसे ही अपने साथ struggle करते रहो. It's important to have your blinkers on. Look at the mark, always attack there. That's all that matters, my brother. You're sounding like a boxer right now, yeah. But a boxer is basically, अपने आप से लड़ता हूँ, भाई. नहीं, but that's true. I really fight with myself. I go to मेरे खुद के साथ ज़्यादा conversation बहुत होती है. मैंने खुद बात करते रहते हो तुम अपने आप. खुद अपने आप से I really challenge my stuff. मैं खुद को बहुत ज़्यादा मैं भी कहता हूँ कि how can you do मतलब चार दिन से you're not doing any music. Get up now. You are get up and pick up your guitar and make something. If something is not coming up, वो आपको बोलते हैं गो टू हवाई जहाँ पे लड़कियाँ
यू नो फ्लावर्स अराउंड देयर वेस्ट करके डांस करती है, वो सजेशन आते होंगे आपको? नहीं नहीं, बट नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं आता, उनका हमेशा ये होता है कि तुम जाओ म्यूजिक करो, बट वन थिंग इज दैट हिज कन्विक्शन अबाउट द सॉन्ग, इफ आई प्ले हिम द सॉन्ग आई एम सो ग्लैड. वो कहते हैं ना कि आपके आसपास भी लोग वो होने चाहिए जो आपको जानते हैं, एंड तो नौशाद भाई के साथ ये है कि इफ आई प्ले हिम द सॉन्ग तो मुझे बता देते कि इस गाने में पावर है और इस गाने में इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, सेम व्हाट इट वाज विद माय मदर. So he has the conviction, even with Tera Zikr, he said ke this is a big song. So wo Tera Zikr ka bhi conviction was his conviction ke this song is going to reach 50 million, wo pehle unhone bol diya tha. And then it happened. So I think I'm really blessed to have such people with me, jo mujhe hamesha, agar main galat cheez bhi kar raha hu, to they'll guide me ki ye galat ho raha hai, aap ye sahi karo. Aur main bhi hu tere saath bhai, tu tension mat le bhai. 100% bhai. Aur yaad rakhna, jab bhi wo come to me baby hit hoga wo line, किसको बोलोगे तुम क्रेडिट किसको दोगे? छह दिन में 25 गर्लफ्रेंड्स आपको क्रेडिट करना है, 100% काउंट हो. बट टेल मी, वाकई में यू किक्ड आउट ऑफ कॉलेज या स्कूल बिकॉज ऑफ बैड एजुकेशन? बैड एजुकेशन तो कवर करने के लिए चीज, द फैक्ट वाज आई डिड द एग्जाम पेपर्स. पर मैंने भी किया था बॉय, बात कर रहा हूं. एनएम कॉलेज में मशहूर हूं आज तक. पेपर लीकेज? हां, तो पेपर लीक किया था मैंने, 9 सब्जेक्ट्स के पेपर लीक किए. व्हाट हैपेंड एक्चुअली, 5 मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स तो जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे थे, बेचारे बहुत मुश्किल से दे वर पेइंग द फीस उनके पेरेंट्स, और तो भी दे वर नॉट एबल टू पास. सो मैंने उन लोगों को फोन किया, देखो मैंने कहा कि तुमसे नहीं होने वाला, तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा पेपर ले लो 5 करीबी दोस्तों को. मैंने कहा किसी को नहीं देना, तुम्हारे लिए, बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग. मैं वो 10,000 वाले शो करता था, वैसे करके मैंने 90,000 रुपये कलेक्ट करके वो अंदर मैंने सेट कर लिया, 9 पेपर निकाल दिया, एवरी पेपर 10,000. तो 5 दोस्त बड़े इमोशनल हो गए, गले वले लगाया, रोने जैसे हो गए, थैंक यू के यू आर सेविंग आवर लाइफ. ये मैंने बोला, बट द ओनली थिंग यू हैव टू प्रॉमिस, अपने पास रखो, जाओ प्रिपेयर करो, और कल इट्स गोइंग टू बी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू. और कमबख्तों ने सबको दे दिया होगा पेपर सारे. अब किसी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो बेस्ट फ्रेंड की 4 और बेस्ट फ्रेंड थी, उनके 4 बॉयफ्रेंड्स थे, उनके 4, ऐसे करके नेक्स्ट डे 270 पीपल हैड द पेपर. कसम खाता मेरे साथ यही हुआ भाई. मैंने यहाँ पे तो पुलिस वुलिस आ गई थी कॉलेज में यार, मेरी मम्मी से बात करने की, बेटे ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, कसम खाता 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने, और पूरे कॉलेज में पहुंच गई थी यार. ये दिस हैपेंस. तो जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं अपने, अगर करें भी तो अपने पास रखो, या 3 लोगों को दो और उनको बोलो कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट मत करो. पर वो तो होना ही है, ये बात ऐसी है ना, वो 3 लोग करने ही, ये मैं जान गया हूँ. मेरा भी उन्होंने कहा था कि एफ आई आर करेंगे, आपका करियर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. फिर चला काफी देर, वाज 1 month प्रोसेस में फ्रस्ट्रेट हो गया था. फिर उन्होंने बोला कि निकाली दो उससे बेटर. मैंने बोला निकाल दो, ठीक है. मैंने देन आई टोल्ड माय डैड कि मेरे से भाई ओनली डिफरेंस है, तुम्हें निकाला गया और मैं निकाला जाने वाला था, पर मैंने सेट कर लिया अपने आप को. अच्छा, ऑनलाइन गालियां भी पड़ती हैं कि नहीं? बहुत सारी, जैसे 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 टाइप्स कैसे क्रिटिसिज्म आते हैं? मतलब आई हैव सीन फ्यू कमेंट्स कि इससे अच्छा तो मेरा कुत्ता गा लेता. ऐसे यार, कुत्ता गा लेता है? कुत्ता गा लेता है. मैंने बोला ठीक है, तो ये तो ऑनलाइन का फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया ना, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, कुछ कुछ भी लोग लिखते हैं. बट शुरुआत में तो बहुत ज्यादा मैं अफेक्ट हो जाता था जब नया नया, मतलब कोई बोले, जैसे आई रिमेम्बर मैंने ये भी किया हुआ है, जब मेरी वीडियोस रोस्टर नहीं हुआ तब अहमदाबाद में, व्हेन आई यूज्ड टू पुट डाउन वीडियो, तब 1,000 कमेंट्स और 1,000 व्यूज हुआ करते थे, तब तो हम जानते थे. तो तब अगर नेगेटिव कमेंट आ गई गुजरात से, तो मैं कहता था किसने किया, इसका नंबर और एड्रेस निकालो. फिर उसको फोन जाते थे कि तुमने किया है, निकालो ये कमेंट. बट फिर धीरे धीरे आदत हो गई, एंड आई थिंक धीरे धीरे जो लोग अच्छा लिखने वो ज्यादा बढ़ गया. सो फोकस फिर वहां चला गया कि यार अच्छा लोग बोल रहे हैं, उनके लिए ज्यादा मैं करूँ. तो वो तो आपको वो तो गुड पीना ही पड़ेगा, अगर सोशल मीडिया पे गेटिंग द पीपल हैव देयर ओपिनियन. I know, I think I respect it, but don't feel bad about being called a doggy. Mary BB bhi mujhe Tommy bulati hai beech beech mein, biscuit deti rehti hai, par acha hai yaar. Ha, agar jaise agar log Siddharth bole to mujhe kabhi samajh nahi aata ki mujhe bula rahe hai, jab Tommy bole, but Tommy bolo, Tommy. Dekho, reaction mera hota hai bhai, mera real name Tommy hai, Tommy bhai, but on that note, love you brother, love you, main tumhe bahut kadar karta hu, tumhari, because you're such a young guy, you're 23 years old, you're very sensible, you know what you're doing. And most importantly, आज के बाद तुम टाइगर बन गए हो. And come to me, baby. Ladies and gentlemen, Darshan Rawal, love ya. Love you too, brother. Thank you so much. Thank you. अभी मुझे एक आईडी दे दो रेडियो.